हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे 2024 में आपका फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिकली आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। आपको अगर आपका फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको टेम्पोररी भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, आप परमानेंटली भी इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। कैसे करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए आपको पहले आपका फेसबुक जो अकाउंट है वो उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो आइकन है आपके नाम के पास, उस आइकन को क्लिक करना है। इस आइकन में क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आएंगे, इसमें आपको नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद पहला ऑप्शन आते हैं सेटिंग्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेंगे, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है सी मोर में। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन एक दिखाया जाएगा पर्सनल डिटेल्स करके। इस पर्सनल डिटेल्स जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में जब भी आप क्लिक करोगे आपके सामने तीनों ऑप्शन आएंगे। इसमें से सेकेंड वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, टेम्पोररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पर आपको अकाउंट आपका अकाउंट दिखाया जाएगा। इसके ऊपर सिंपली जो एरो वाले ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आते हैं दो ऑप्शन, यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट, पहला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इस टेम्पोररी आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, बाद में इसको उठा सकते हो। और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंटली, आप अगर परमानेंटली फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद प्रोफाइल दिखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करना है। जब भी कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करोगे आपका जो फेसबुक पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर फेसबुक पासवर्ड देके आप कंटिन्यू कर दो। उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर दिखोगे आपका जो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट पूरी तरीके से हो चुका है। तो पासवर्ड यहाँ पर देके आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप किस कारण से इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो। आपके सामने बहुत सारे कारण दिखाया जाएगा, आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। आपका प्रोफाइल अगर हैक हो चुका है इसके लिए आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो वो भी ऑप्शन दे सकते हो। ऑप्शन है, ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट माई अकाउंट, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली अगर करना चाहते हो तो आपको 7 दिन के बाद आपके अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आप कितने दिन के लिए इस अकाउंट को ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट चाहते हो तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, यहाँ पर डोंट डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, जब भी मैं चाहूँ तभी मैं इस अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहती हूँ, वो भी ऑप्शन यहाँ पर है, वो भी आप ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर परमानेंटली करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट वो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर डीएक्टिवेट माई अकाउंट, यहाँ पर सिंपली ऑप्शन चूज करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते आप देखोगे आपका जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएंगे।